नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नरेंद्र मोदी की यात्रा से पहले भारत का अमेरिका को बड़ा झटका, रद्द किया हेलीकॉप्टर समझौता। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला जिले के धलियारा के निकट पर्यटक बस खाई में गिरी, 10 लोगों की मौत, 30 अन्य घायल। पशुओं की बिक्री पर रोक संबंधी अधिसूचना पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 2 हफ्ते में जवाब मांगा। भारत माता की जय नहीं बोलने वालों का सिर कलम करने संबंधी टिप्पणी पर योग गुरु रामदेव के खिलाफ गैर जमानती वारंट। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत पाक सीमा के बदले स्पेन मोरक्को सीमा की तस्वीर, मचा बवाल। दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने आम आदमी पार्टी पर ठोका 27 लाख का जुर्माना। प्रचार सेवा समिति की प्रमुख साध्वी सरस्वती ने कहा, शान के लिए गोमांस खाने वालों को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरु के परिसरों पर पुलिस के छापे, जीजेएम ने किया अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान। बीजिंग में आयोजित समारोह में पाकिस्तान की झांकी में तिरंगे के साथ भारत का लाल किला दिखाया। केरल में स्वाइन फ्लू और डेंगू का प्रकोप, जनवरी से अब तक 101 लोगों की मौत। दरभंगा में योगी आदित्यनाथ की सभा से पहले आंधी और तूफान से पंडाल गिरा। अमेरिका का इराक को बड़ा झटका, 199 प्रवासियों को देश से निकाला। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में आतंकवादियों के कार बम हमले में 19 लोगों की मौत। फार्मूला 1 टीम फोर्स इंडिया का नाम बदलना चाहते हैं भारत के भगोड़े कारोबारी विजय माल्या। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।